तो गाइस हर आदमी बस ये वाली बात बोलता है कि जोगिंदर भाई तूने इतना पैसा कैसे कमाया, तीन चार घर बना दिए, छह छह मंजिल के, चार पांच फ्लैट खरीद लिए। देख रहे हो इधर रोड है, इधर भी रोड है, अब देखो यहाँ पर रोड के बीच में आदमी कैसे बैठा हुआ है। इनके बच्चों ने इनको घर से मार के भगा दिया है, मेरे दोस्तों इनके बच्चों ने इनको घर से मार कर भगा दिया है। ₹500 की फिलहाल हेल्प कर रहा हूँ, ये समझ नहीं पाते कुछ, इनकी याददाश्त जा चुकी है। आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि अपने घर तक पहुँच पाए, भारत सरकार तक पहुँचवा दो ये वीडियो ताकि इनकी मदद हो। ये थोड़े दिमाग से वैसे है, इन्होंने तीन चार दिन से खाना नहीं खाया। अंकल आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल। अंकल कहाँ के रहने वाले हो आप? पाकिस्तान के भी, बिहार के भी हो? प्रॉपर कहाँ के हो? प्रॉपर कहाँ के हो? पहले के रहने वाले? हाँ पहले काकोरी से। भाई इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। अब आप लोगों से एक बात बोलूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि आदमी अपने घर तक पहुँच पाए। जय श्री राम। जो लोग स्विमिंग पूल में नहाने का शौक रखते हैं ना, चाहे वो वाटर पार्क का स्विमिंग पूल हो या फिर कैसा भी स्विमिंग पूल हो, 99% लोग स्विमिंग पूल के अंदर पेशाब कर देते हैं, मूत देते हैं और कुछ लोग तो हंग भी देते हैं। क्यों इस भाई की जान बचा लो, देख रहे हो उनकी हालत। चुपो चुपो, पैर क्यों पकड़ रहे हैं? सीधा खड़ो, पैर मत पकड़, करो मत, रो मत, पैर चुपो, तेरी मदद होगी। इन गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। भाई ये देखना, यहाँ पर इस आदमी को 103 बुखार है। इस गर्मी के अंदर इतने लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले घूम रहे हैं 20-20 लाख वाले, लेकिन कोई इस भाई की हेल्प नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी में तड़प रहा है, गर्म हो रहा है। भैया बुखार कब से आपको? आपने कुछ खाना खाया नहीं? खाया कुछ नहीं खाया। फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? देख रहे हो भाइयों, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में शेयर होना चाहिए मेरे दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है।